तो जैसे कि देख सकते हैं गाड़ी में MI लैंप लगा हुआ है ना, और गाड़ी में पोर पिकअप के भी इशू है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था वीडियो बनाइए, मैं बना रहा हूँ। जैसे कि आपके पास OBD टूल्स नहीं है, अगर OBD टूल्स नहीं है, टेक टूल नहीं है, तो क्या काम नहीं हो सकता? काम हो सकता है बिल्कुल। आप शिद्दत से काम करें, मेहनत से काम करें, उसी जगह पे ज्यादा फोकस देना जहाँ पे बीमारी है गाड़ी का, तो प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। यही है कि थोड़ा देर लगेगा लेकिन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक में जाना है ना, ये शुरू से मैं दिखा रहा हूँ। एक नंबर से आप देख सकते हैं गेज का फ्यूल डाटा, डिस्प्ले, रजिस्ट्रेशन, व्हीकल मैसेज है ना। तो आपको सीधा यहाँ पे 6 नंबर में डायग्नोस्टिक में आना है। डायग्नोस्टिक के बाद आपको सीधा यहाँ पे 4 नंबर में रीड फॉल कोड में आना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ जो EMS है, जो इंजन के पास है, ICU जो है यहाँ डैशबोर्ड के पास है। तो हम यहाँ पे EMS को इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे कोड लिखा हुआ है P040913 और ये P040A13, ये हमारा डिफेंसर प्रेशर सेंसर का है, सर्किट करके ओपन करके दिखा रहा है, और EGR टेम्परेचर सेंसर का है, ठीक है। और ये दोनों जो हमारा काम नहीं कर रहा है, फेल दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों से मिला के ये कोड एक बनती है EGR सिस्टम से, जो कोड है P2BE, जो सबको पता है 00, ये हमारा नॉक्स का कोड है, जो पावर पिकअप का प्रॉब्लम होता है, EGR का कोड है ये, है ना। तो ये जो आप कोड देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च मार सकते हैं। तो आपको जब सारा काम मैं बता रहा हूँ कि डिफेंसर प्रेशर सेंसर क्या होता है, EGR वैक्यूम क्या है, ये सारा कुछ मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें और पार ना करें, आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं हर आदमी को फोन पे नहीं बता सकता हूँ। आप वीडियो देख के काम कर लें और खुद से काम कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये सब काम करने के बाद आपको फिर यहाँ पे बैग जाना है। बैग जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर फॉल कोड, फिर यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है 4 3 2 1। आप यहाँ पे EMS पे देख सकते हैं, इंटर कीजिए यहाँ पे। ये देखिए आपका DTC जो कोड है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम होने के बाद, तो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर करने के बाद आप ध्यान दिए होंगे कि हमारा MI लैंप जो था वो चला गया। तो पूरा वीडियो देखें, इसके बाद वीडियो है काम करना है, किस तरह काम करना है, किस तरह चेक करना है। तो हेलो फ्रेंड, किसी ने मुझे कमेंट किया कि EGR के बारे, सिस्टम के बारे बताएं, उसके बारे वीडियो बनाएं। तो मैं EGR का सोनेडिंग स्विच और डिफेंसर प्रेशर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर जो EGR से रिलेटिव है, उनके बारे में वीडियो आज लेके आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं ये डिफेंसर प्रेशर सेंसर का लोकेशन है ना, ये डिफेंसर प्रेशर सेंसर का लोकेशन है। अगर यहाँ पे कनेक्टर लूज हो या वायरिंग कट चुका हो तो फिर ये कोड एक्टिव हो जाएगा और पावर पिकअप का इशू आएगा और MI लैंप जल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 3 वायर हैं, तो ग्रीन वाले वायर पे 5 आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा और एक इनपुट रहेगा और एक ग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीमीटर से चेक कर लेना है। उसके बाद ये जो है आपको इसका EMS में चला जाना है, J1 कनेक्टर में चला जाना है EMS में। यहां से आपको अगर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है तो कंटिन्यूटी यहां से मल्टीमीटर बीप साउंड में रखना है एक वायर, ठीक है, और एक वायर ये J1 जो कपलर है, J1 कनेक्टर, इसको बाहर कर लेना है। तो इसका जो 3 वायर है वहाँ पे EGR डिफेंसर प्रेशर सेंसर को, ये 3 वायर यहाँ पे आया है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक के आया है। तो इनमें से कैसे पता करना है कौन सा वायर है, तो बीप साउंड में रखना है क्या, पिन नंबर लिखा हुआ रहता है 92 है पिन नंबर जो है, वो आपको ग्राउंड पोजिशन में मिलेगा। और 68 जो है पिन नंबर, वो आपको आउटपुट मिलेगा 68, और आपको जो लास्ट का है 70 यानी कि 70 का जो पिन नंबर है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 3 वायर, ये डिफेंसर प्रेशर सेंसर का जो वायर है यहाँ पे तीन, ये तीनों वायर आपका यहाँ पे EMS में आया है, एक तो 92, 68, 70, ये तीनों वायर यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर से मतलब आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेना है, और यहाँ पे आपको आउटपुट और वोल्टेज और ग्राउंड पोजिशन भी चेक कर लेना है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको डिफेंसर प्रेशर सेंसर खोल लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं डिफेंसर प्रेशर सेंसर खोलने के बाद जो है यहाँ पे
कचरा मतलब ऐसा मतलब फटा हुआ भी दिख जाएगा या फिर यहाँ पे ज्यादा डस्ट दिख जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से सफा कर लेना है। और अगर ऐसा डैमेज दिखेगा तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। ये डिफ्यूजर प्रेशर सेंसर है, ठीक है। अब जैसे कि ये देखिए, ये EGR सोनलेडिंग है, ठीक है। तो EGR सोनलेड स्विच है ये, तो इसमें आपको तो चेक करना है कि एक पिन में जो है 12 वोल्ट आना चाहिए और दूसरे में ग्राउंड आना चाहिए, अर्थिंग, ठीक है। 12 वोल्ट और दूसरे में अर्थिंग आना चाहिए। अभी इनमें जो अर्थिंग कहाँ से आता है, एक तो कंटिन्यू इसमें 12 वोल्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। और एक अर्थिंग कब आएगा आपका, जब गाड़ी आपका 80 डिग्री हीट हो जाए तो जाके आपको ये EGR टेम्परेचर स्विच, ये है EGR टेम्परेचर स्विच। जब EGR टेम्परेचर स्विच में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये EGR टेम्परेचर स्विच का सॉकेट है। तो EGR टेम्परेचर स्विच में पहले से आपका एक अर्थिंग है, ग्राउंड पोजीशन, ठीक है। और एक जो हीट होने के बाद टेम्परेचर जब वहाँ पे ऑन होता है तो फिर यहाँ से ये सोनलेडिंग को सिग्नल मिलता है, EGR को सोनलेडिंग को सिग्नल मिलता है ना। जब टेम्परेचर हीट होने के बाद यहाँ पे ऑन हो जाता है टेम्परेचर स्विच 80 डिग्री के बाद, तो फिर यहाँ पे आपको एक ग्राउंड आ जाएगा और एक तो 12 वोल्ट कंटिन्यू रहता है। फिर क्या करेगा, ये सोनलेड स्विच को ऑन कर देगा। जब सोनलेड स्विच ऑन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से ये जो ये हवा है, यहाँ से ये जाके EGR वैक्यूम को ऑन करेगा। तो EGR वैक्यूम को ऑन करेगा, तो EGR वैक्यूम भी आपको चेक कर लेना है कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आप ये पाइप देख सकते हैं, एक तो ये EGR वैक्यूम में चला गया और ये दूसरा पाइप है जिसपे से वैक्यूम खींचता है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, कंटिन्यू खींचने का पोजीशन में हवा रहता है। तो ये जो पाइप है तो इसे भी आप चेक कर ले। ये पाइप सीधा हमारा अल्टरनेटर से गया है, ये अल्टरनेटर को ये पाइप आया हुआ है ना, ये अल्टरनेटर हमारा अल्टरनेटर से ये पाइप आया हुआ है। तो ये पाइप अगर कट रहेगा तो हवा यहाँ से खींच ही नहीं सकेगा, तो आपको ये भी चेक कर लेना है, ठीक है। और दूसरा ये जो तीसरा पाइप है हमारा, ये मतलब कोई काम का नहीं रहता है, ये हमारा मिनी फोल्ड में लगा हुआ है जो यहाँ पे है, वो कोई दिक्कत नहीं इससे। ये मेन आपको दो पाइप चेक करना है, ठीक है। उसके बावजूद आपको ये भी चेक करना है कि ये हमारा EGR वैक्यूम है, तो यहाँ पे जो गैस्किट रहता है वो गैस्किट कहीं से लीक तो नहीं है। अगर गैस्किट लीक रहेगा तो भी गाड़ी पिकअप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो गैस्किट रहता है, तो दो गैस्किट यहाँ भी चेक कर लेना है, दो गैस्किट यहाँ भी रहता है वो भी चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो 12 वोल्ट इसका जो सप्लाई आता है, तो ये भी EMS J1 कनेक्टर से ही आता है। तो यहाँ पे भी इसको 12 वोल्ट का अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो इसका भी कंटिन्यूटी 12 वोल्ट का J1 कनेक्टर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट का वायर ये J1 कनेक्टर को यहाँ पे आया हुआ है, ECU का है ना। और एक जो है अर्थिंग हमारा, सो यहाँ से इस पे चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे है या नहीं है बुलेबल। उसके बाद एक जो ग्राउंड पोजिशन है यहाँ पे कंटिन्यू, वो आप EMS के थ्रू चेक कर लीजिएगा, वो EMS में यहाँ पे अवेलेबल अर्थिंग रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ आपने चेक कर लिया। चेक करने के बाद अगर आपने डिफ्यूजर प्रेशर सेंसर यहाँ पे जैसे कि खोल लिए हैं, डिफ्यूजर प्रेशर सेंसर में आपको दिखाया था, ये नया डाला हूँ क्योंकि ये खराब हो चुका है। तो ये देखिए हमारा डिफ्यूजर प्रेशर सेंसर है, जो पुराना आपने देखे होंगे अभी, ये नया है, बिल्कुल सही है। तो कभी भी कोई भी गाड़ी का सबसे पहले अगर पोर पिकअप का इशू है, पिकअप नहीं गाड़ी को, तो एक बार डिफ्यूजर प्रेशर सेंसर सबसे पहला आपको चेक कर लेना है कि क्या ये कट है या फिर कहीं से डैमेज है। अगर इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पे पानी दिखा बार बार, ठीक है, तो आप इसे क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद इसको वापस एक बार बैठाएं और 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर कम से कम गाड़ी, मैक्सिमम 5 किलोमीटर होना चाहिए, ट्रायल ले लें। ट्रायल लेने के बाद वापस आप इसको खोलें और यहाँ पे देखें कि पानी आ रहा है। अगर ये पानी आएगा तो सबसे पहला आपको ये जो है हमारा EGR कूलर, ये जो देख रहे हैं EGR कूलर है जो हमारा, ये अगर फेल रहेगा तो यहाँ के थ्रू ये हवा आना चाहिए, ठीक है। और ये पानी का पाइप है कूलर का, यहाँ के थ्रू ये हवा आना चाहिए। अगर ये EGR कूलर फेल है, ठीक है, तो ये जो पानी का पाइप है ये लीकेज हो जाता है। लीकेज होने के बाद इस पाइप से सीधा सीधा यहाँ पे डिफ्यूजर प्रेशर सेंसर को पानी आता है। पानी आने के बाद क्या होता है, डिफ्यूजर सेंसर को पानी वहां पे पूरा दिख जाता है। दिखने के बाद वो सेंसर काम नहीं करने लगता है। जब सेंसर हमारा काम नहीं करेगा तो फिर वहां पे P2V जो कोड है वो एक्टिव हो जाएगा कंटिन्यू। उसके बावजूद अगर ज्यादा दिन से मतलब ये प्रॉब्लम हो रहा है और पानी यहाँ से फिर EGR वैक्यूम को चला गया, अगर EGR वैक्यूम को पानी ज्यादा गया तो
तो यहाँ पे ये भी जंग खा के चोकअप हो जाता है, यानी कि हमारा ईजीआर वैक्यूम जो है वो ऑपरेट नहीं होगा, जिस तरह ऑपरेट होना चाहिए वो ऑपरेट नहीं होगा। और जब ऑपरेट नहीं होगा तो मिनी फोल्ड में जो है वो हमारा एयर जो है वो मतलब सप्लाई इंजन से नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है बूस्ट प्रेशर सेंसर को भी इसका बार नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें हैं। तो ईजीआर के लिए मैं आज इतना ही वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए, तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इतना मेहनत से आप लोग को मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हुआ है, वो प्रॉब्लम हुआ है, आप वीडियो बनाएं, वीडियो बताएं, तो मैं फ़ोन पे कितना बताऊंगा, इसके लिए मैं वीडियो बनाना चालू किया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।